हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हम लोग जो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु आवेश है प्लस क्यू, जो कहाँ पे है, बिंदु ओ पर है। ठीक है, आवेश प्लस क्यू द्वारा जो बिंदु ओ पर है, इसके द्वारा बिंदु पी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके द्वारा क्या करनी है, प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है मान रहे हैं कि माना प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल बी है। आपको क्या निकालना है, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यहाँ पे बिंदु आवेश कौन है, प्लस क्यू, कहाँ पे है, ओ बिंदु पर है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए आपने माना कि प्लस क्यू कूलम्ब का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक, आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से, आवेश प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो स्थित है। धन परीक्षण आवेश बिंदु पी पर कौन स्थित है, प्लस क्यू जीरो स्थित है। प्लस क्यू जीरो की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि जब दो आवेश रहेंगे तभी उनमें कूलम्ब का बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, जब वैद्युत बल हमें पता होगा तब हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो बल निकालने के लिए, इस प्लस क्यू का बल निकालने के लिए, वैद्युत बल निकालने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू की जरूरत होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है। ठीक है, अब हम कूलम्ब का नियम लगा सकते हैं दो धनावेश के बीच में। तो धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो कूलम्ब का नियम से लगने वाला वैद्युत बल प्लस क्यू जीरो पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 क्या है, Q है, Q2 क्या है, Q0 है, और दूरी क्या है, आर स्क्वायर। तो लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 K Q0 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्लस क्यू के द्वारा प्लस Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा, 1/4πε0 K Q0 बटे आर स्क्वायर न्यूटन होगा। ठीक है, अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको बल पता हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। आप सूत्र पढ़े हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। F का मान आपको पता है, F का मान यहाँ रखे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, 1/4πε0 K Q0 अपन आर स्क्वायर और ∗Q0। यह सब किसका मान है, यह तो आपका F का मान हो गया F/Q0। अब यहां से Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, निर्वात अथवा y के लिए K = 1 हो जाएगा। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q/r2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r2 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर जो आर दूरी है पर है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
ई बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। जहां पर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9×10⁻⁹ न्यूटन पर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो यह हो गया आपकी वैल्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मास। अब दिशा क्या होगी? ठीक है, दिशा क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ओ से पी की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ होगी। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की होगी ओ से पी की तरफ। अब यहां पे अगर यह धनात्मक आवेश की जगह ऋणात्मक आवेश होता तब क्या होता? प्लस क्यू की जगह अगर यह माइनस क्यू होता तब क्या होता? तब जो है बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान यही होता, लेकिन दिशा जो होती वह पी से ओ की तरफ होती है। ठीक है, दिशा क्या होगी? वह माइनस क्यू की ओर होती दिशा। ठीक है, उसमें माइनस क्यू की तरफ दिशा होती है। ठीक है ना, तो प्लस क्यू है तो दिशा होगी वह से पी की तरफ, अगर यह माइनस क्यू होता है तो पी से ओ की तरफ दिशा। ये आपने देखा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम्ब। अब जो है यदि किसी स्थान पर कई बिंदु आवेश हो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहां पर तो केवल एक आवेश था उसके कारण आपने हाथ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जो कि ई बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर निकला। अगर कई आवेश हो तो उनके द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, यदि किसी स्थान पर कई बिंदु आवेश हो जैसे कि क्यू वन हो क्यू टू हो क्यू थ्री हो, ठीक है, इस तरह से किसी बिंदु पर कई बिंदु आवेश हो उस कंडीशन में प्रत्येक बिंदु आवेश की वही तीव्रता होगी जो अन्य बिंदु आवेश की अनुपस्थिति में वह आवेश उत्पन्न करता होता। अतः उस बिंदु पर सभी आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर क्या होगा? वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू प्लस वेक्टर ई थ्री प्लस जैसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि किसी स्थान पर एक से अधिक आवेश हो तो उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह होगी वेक्टर ई बराबर वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू प्लस वेक्टर ई थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके कई आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब जो है आगे देखते हैं, किसी बिंदु आवेश किसी बिंदु R पर आवेश Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यह तो आपने देख लिया, अब आगे कुछ चर्चा और कर लेते हैं। हाँ, तो किसी बिंदु R पर आवेश Q के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है, कितना आपने सूत्र पढ़ा कि आवेश Q के द्वारा R बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा। तो किसी भी आवेश के द्वारा R दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे यह एक सदिश राशि हो गई, यह क्या हो गई? एक सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर पूछा जाए सदिश रूप में तो इसको कहेंगे वेक्टर ई बराबर कितने दूरी पर? आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर क्यू बाई आर स्क्वायर वेक्टर। यहां पर यूनिट वेक्टर आर क्या होगा? तो वेक्टर आर बटे आर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर आर क्या होगा? वेक्टर आर बटे आर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगर बल निकाला जाए क्या होगा?
तो आप सूत्र जानते हैं एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, ठीक है। तो बल अगर निकालना हो तो बल क्या होगा, एफ बराबर ई का मान रखते हैं पहले, तो एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर, और आपका क्यू दिशा यूनिट वेक्टर आर। बल का मान क्या हो गया, बल एक सदिश राशि है, आर दूरी पर लगने वाला बल, एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर, ठीक है, यह आर दूरी पर लगने वाले बल का मान हो गया। अब आप जो सूत्र पढ़े हैं F बराबर क्यू ई, इस सूत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा क्यू, E बराबर क्या होगा F बटा क्यू होगा। यह सूत्र वेक्टर रूप में क्या होगा, तो वेक्टर ई बराबर लिमिट, ठीक है, आप लिमिट लगाएंगे क्यू टेंस टू जीरो वेक्टर एफ बटा क्यू, ठीक है, वेक्टर ई बराबर लिमिट क्यू टेंस टू जीरो वेक्टर एफ बटा क्यू, यह हो गया आपके विद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है, ई बराबर ये बटे क्यू सदिश रूप में, ठीक है। तो अगर आपको सदिश रूप में लिखना हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर वेक्टर ई आर बराबर एक बटे फोर पाई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर आर बटे आर होता है, इसको आप यहां पर रख सकते हैं, ठीक है, तो यह आर क्यू हो जाएगा आपका, और यहां पे वेक्टर आर हो जाएगा। बल एफ बराबर क्यू ई होता है, बल निकालना तो एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर ई का मान रखें एक बटे फोर का एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू क्यू, और दिशा इन वेक्टर आर। एफ बराबर क्यू ई होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है, सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर लिमिट क्यू टेंस टू जीरो वेक्टर एफ बाई क्यू हो जाएगा। यह आपके विद्युत क्षेत्र के सूत्र थे जो सदिश रूप में है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।